उत्तर प्रदेश के बालाघाट से इस वक्त ये बड़ी खबर है। विधायक गौरी शंकर बिसेन की शर्मनाक करतूत सामने आई है। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आपत्तिजनक तरीके से छुआ, जबरदस्ती छात्राओं को पकड़कर खिंचवाया फोटो। विधायक की शर्मनाक हरकत से छात्राएं जो हैं वो सदमे में हैं। घिनौनी करतूत का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। ये देखिए आपको तस्वीरों में विधायक जी नजर आ रहे होंगे, दो छात्राएं भी आपको नजर आ रही हैं और कैसे किस तरह से दोनों छात्राएं कुर्सी पर बैठी हैं उनको खींचते हुए नजर आते हैं और अपने साथ फोटो क्लिक कराते हैं। विधायक की शर्मनाक हरकत से छात्राएं सदमे में है। घिनौनी करतूत का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक गौरी शंकर बिसेन की शर्मनाक करतूत सामने आई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और ये वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। और आपको बता दें कि इस ट्वीट में लिखा गया है, भाजपा विधायक पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ। ये बाकायदा वीडियो ट्वीट किया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियली अकाउंट से, जिसमें कांग्रेस जो है वो अब इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो देखिए किस तरह से विधायक जी सामने से आते हैं और दो छात्राएं वहां पर कुर्सी में बैठी होती हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और किस तरह से उन्हें उठाते हैं और गले में हाथ रखकर फोटो क्लिक कराई जाती है उनके साथ और इस जबरदस्ती छात्राओं को पकड़कर फोटो खिंचवाया जाता है। विधायक की शर्मनाक हरकत से छात्राएं जो हैं वो अब सदमे में हैं। इस वीडियो को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। किस हद तक नेताजी यहां पर बेशर्मी पर उतर आए, आप इस वीडियो के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। ताहिरा हसन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं। ताहिरा, आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक, किस बदतमीजी से हमने देखा किस तरह से विधायक जी आते हैं सामने से, दोनों बच्चियों को उठाते हैं और फिर उनके साथ जबरन फोटो क्लिक कराते हैं जिसमें वो असहज महसूस करती हैं। क्या कहेंगे आप इस वीडियो पर? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल साफ दिखता है कि बच्चियां परेशान हैं, असहज हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस समय प्रधानमंत्री ये नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे करो, उस समय ये जो नेतागण हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपनी पोती के बराबर बच्ची को, अपनी बेटी के बराबर बच्ची को, जिसको प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन में आगे लेके चलना चाहिए, एक मिसाल बनना चाहिए, न कि वो उसको उठा रहे हैं, घसीट रहे हैं कुर्सियों से। और देखिए बच्चे कितनी असहज अपने को महसूस कर रही, कितनी घबराई हुई वो बच्चियां। मुझे लगता है कि शिवराज पाटिल जी को तुरंत, चौहान जी को तुरंत यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। सीएम को, सूरज चौहान को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वो अभी तक चुप क्यों है? ये उनके मध्य प्रदेश की बिटिया का सवाल है, ये देश की बिटिया का सवाल है, उन बच्चियों का सवाल है जिनको कोशिश की जा रही है कि स्कूल में जाए। जब कोशिश की जा रही है ड्रॉप आउट रेट कम हो, बच्चियां पढ़े, बच्चियां आगे बढ़े, बच्चियां अपने परों पे परवाज करें, उस समय अगर नेतागण इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन्हें कमोडिटी समझ रहे हैं, स्कूल के अंदर हमारी बच्चियां या इवेंट्स में हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, तो कहां सेफ होंगी बताइए। शिवराज जी को बोलना चाहिए, उन्हें वोकल होना चाहिए इस इश्यू पे, उन्हें उनसे सवाल करना चाहिए गौरी शंकर जी से कि इस तरह की हरकत कैसे हुई, क्यों हुई। और सिर्फ सवाल नहीं करना चाहिए, दंडित किए जाना चाहिए। हम अपनी बच्चियों, अपनी महिलाओं की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। पूरी दुनिया देखती है, कहा जाता है कि हमारे यहाँ महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं को देवी माना जाता है। अरे पहले उनकी ह्यूमन राइट्स की तो बात करिए।
क्या महिलाएं और बच्चियां के स्कूलों में इवेंट्स में सेफ नहीं है जहां इतने लोग हैं? पोजीशन पे जो लोग हैं मुझे लगता है उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी और जबरदस्त, जो इस पोजीशन पे है पावर में है वो अगर अपने पावर का मिसयूज करते हैं, अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं और महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, बच्चियों के साथ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है तायरा जी, आप बड़ी बात कर रही हैं। इस तरह के लोग अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, असहज वो बेटियां फील कर रही हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपने बड़ी बातें कही। कुलभूषण सक्सेना भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। कुलभूषण, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बीजेपी अभी फिलहाल ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने इस तरह का जो वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। अभी कुछ ही देर पहले हमारी गौरीशंकर बिसेन से भी फोन में बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से जो उसे जारी कर रही है, मैं कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, इसके साथ ही मध्यप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। कुलभूषण, आपको रोकना चाहूंगी। गौरी शंकर बिसेन विधायक हैं, हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, आपका ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो छात्राएं बैठी हुई हैं, आप उनके साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं और उस वक्त वो छात्राएं असहज महसूस कर रही हैं, डरी हुई हैं, क्या कहेंगे आप इस वीडियो को लेकर? 20 तारीख को मेरी नातन नितिन देवी का जन्मदिन के अवसर पर उनकी सहेली आई थी और मेरी बेटी मेरी नातिन के साथ की नातिन है, उन्होंने मुझसे खुद कहा दादा फोटो खिंचाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस ट्वीट करते तो कांग्रेस दिवाली अपन है, जैसे जिसकी मानसिकता होता है वैसा सोचता है। लेकिन गौरीशंकर जी, उसमें तो दिख रहा है कि आप उन बच्चियों का हाथ पकड़ कर खींचते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। उठा सकता हूँ बच्चियों को, गोदी भी उठा सकता हूँ, मैं उनका दादा हूँ, नाना हूँ। लेकिन इससे वो बच्चियां जो हैं वो असहज महसूस कर रही हैं। ठीक है, आप जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चियां क्या अपने आप को, उन बच्चियों ने कुछ कहा है क्या? लेकिन वो बच्चियां इससे डरी हुई हैं। गौरीशंकर जी, दिख रहा है स्क्रीन पर, कांग्रेस का दिवालियापन है, कांग्रेस का पागलपन है, कांग्रेस चुनाव मैदान में हार चुकी है इसलिए उलझुल इस तरह की बातें करती। तो क्या कहेंगे आप, क्या क्योंकि ये जो वीडियो है गौरीशंकर जी बस सुन लीजिए, इसको कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, तो क्या आप इसे निचले स्तर की राजनीति मानते हैं? कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई, आने वाले चुनाव में हार चुकी है इसलिए इस तरह के उलझुल बातें सामने लाते हैं जो जिनका कोई सिर और कोई पैर नहीं। इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने कहा है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन गौरीशंकर जी, जो वीडियो मैं देख पा रही हूँ उसमें दिख रहा है आप सामने से आते हैं, दो बच्चियां वहां पर बैठी होती हैं, आप उन्हें जबरन उनका हाथ पकड़ कर खींचते हैं और हाथ उनका लगता है, आपका हाथ उनकी बॉडी पर लगता है, जिससे वो असहज महसूस करती हैं, डरी हुई सी खड़ी हुई हैं, इसलिए ये सवाल खड़े हुए हैं और इसलिए कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। गौरीशंकर जी, आप जो सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ खुद विधायक जुड़े थे गौरीशंकर बिसेन जी और कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, गौरीशंकर बिसेन को हमने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो निचले स्तर की राजनीति कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में जिस प्रकार से स्पष्ट दिखाई देता है कि गौरीशंकर बिसेन पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, दो बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और जब उनका हाथ जो है बॉडी से टच होता है तो जो बच्चियां हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को डरा सा महसूस करती हैं। लेकिन इस वीडियो को गौरीशंकर बिसेन ने ये स्पष्ट किया है कि इस तरह का जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, इससे कांग्रेस की मानसिकता पता चलती है और मैं कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। गौरीशंकर बिसेन ने लेकिन कुलभूषण, जो बच्चियां इस वीडियो में नजर आ रही हैं, और जो बच्चे इस वीडियो में नजर आ रही हैं, क्या आपकी उनसे इस पर कोई बातचीत हुई है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है?
देखिए अभी फिलहाल जो बच्चियां हैं दोनों वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रही हैं और उनका किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये जारी किया गया। इस पूरे मामले पर अभी सिर्फ गौरीशंकर बिसेन का ही जो है बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि मेरी पोती के जन्मदिन में दोनों बच्चियां आई हुई थी और मैंने उनके साथ फोटो खिंचवाई है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी संवैधानिक पद में बैठा हुआ है या मौजूद है तो कहीं ना कहीं जब वो एक सार्वजनिक मंच में मौजूद रहते हैं तो उनको कैसे महिलाओं के साथ रहना है, कैसे महिलाओं से बातचीत करना है, कैसे बच्चियों के साथ फोटो खिंचाना है, इस चीज का ज्ञान जरूर रहना चाहिए। और जिस प्रकार से गौरीशंकर बिसेन का ये वीडियो जब वायरल होता है तो कांग्रेस लगातार बड़े आरोप। मैं आपके पास आऊंगी, ताहिरा हसन हमारे साथ है, महिला एक्टिविस्ट है। ताहिरा जी, क्योंकि आपने गौरीशंकर बिसेन को भी सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं उनका दादा हूँ, लेकिन एक तरीका है अगर आपको किसी के साथ फोटो क्लिक कराना है, आप अगर सार्वजनिक मंच पर हैं तो आप फोटो क्लिक करा रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो बच्चियां हैं। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिस वक्त उन्हें गौरीशंकर बिसेन ने खींचा वो असहज महसूस कर रही थी और गौरीशंकर बिसेन का जो हाथ है वो उनकी बॉडी पर टच कर रहा था। बिल्कुल सही कह रही है, वो असहज महसूस कर रही है बच्चियां, देखिए किस तरह से खड़ी हुई है वो। और गौरीशंकर जी का ये कहना है कि मेरी नतनी के बराबर है, गोद में उठा लूं। देखिए भारतीय सभ्यता की बात भी कुछ होती है, कुछ हमारी संस्कृति भी है, हमारी संस्कृति भी ये नहीं होता। गौरीशंकर किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, किस कल्चर की बात कर रहे हैं, उन्हें ये भी बताना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर ये बात कहते हैं कि वीडियो ही गलत है, कांग्रेस पे मैं केस करता हूँ, डॉक्टर्ड है, तो समझ में आता, क्योंकि ये भी मैंने सोचा था शायद ये बात हो सकता है डॉक्टर्ड हो, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने तो कहा ये तो एक सहज बात है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग इसको सहज समझेंगे, इस तरह से सहज लेंगे, ये हमारी कल्चर का इस तरह का हिस्सा नहीं है। या आप ये कहिए कि हम घसीट लें, खींच लें बच्चियों को और फोटो खिंचवा लें, ये तरीका नहीं है। तो उसके लिए वो दूसरा तरीका कर सकते थे, बच्चियां खड़ी हो जाती और ठीक है वो दादा और नाना के बराबर है, उनके साथ फोटो खिंचवाती, फोटो खिंचवाने में कोई आपत्ति नहीं है, बच्चियां खड़ी हो सकती है अपने दादा और नाना के बराबर लोगों के साथ खिंचवा सकती है फोटो। लेकिन आपत्तिजनक ये है कि उनको खींच के उठा, वो सहज ही उठ जाती, वो कहते मैं आ गया हूँ फोटो खिंचवा लो, तुम लोग आओ बच्चों फोटो खिंचवाओ, और वो खिंचवा लेती। उनके अंदर जो एक परेशानी दिख रही है बच्चों बिल्कुल, में बिल्कुल, और ये चीज वीडियो में साफ नजर आ रही है। ताहिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, कुलभूषण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो जो है वो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है और वीडियो पर तमाम सब खड़े हो रहे हैं कि एक विधायक और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है वो बच्चियों को इस तरह से खींचता है अपने साथ फोटो क्लिक कराने के लिए, जिसके बाद बच्चियां जो है वो अपने आप में असहज महसूस करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।